महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइस कैसे हो आप सब? सो गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम चाय पीने जा रहे हैं, देखिए मैंने चाय लिया है, मेरी बिटिया चाय टोस्ट खा रही है, सो गई अभी। गुड मॉर्निंग बोल दो। तो मेरी बिटिया अभी सो के उठी है, तो वो भी मेरे साथ बैठ के चाय टोस्ट खा रही है। चलिए गाइस, और मेरा बेटा बैठ के कार्टून देख रहा है। स्कूल से आया है, एग्ज़ाम देकर खाना खाया है, उसके बाद कार्टून देख रहा है नाश्ता करके, यानी कि खाना तो अभी बनी भी नहीं है। तो चलिए हम भी चाय वगैरह पी लेते हैं। आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं चाय वगैरह पी लूँ फिर खाने की तैयारी करूँगी गाइस। तो गाइस देखिए, ये हमारा खाना तैयार है, दोपहर का लंच मैंने बनाया है। लंच में आज आलू गोभी की और मटर की खिचड़ी। देखिए ये मटर है, ये मटर है, यहाँ पे हमारा गोभी है, ये आलू है और ये हरी मिर्च है। तो चलिए मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ। चलिए गाइस मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, मिलती हूँ उसको लंच करने के बाद। बाबू मत छुओ बेटा मेरा खाना, चलो रखो ख़राब हो जाएगा। बदमाशी बहुत करती है गाइस, ये बहुत बदमाशी करती हो तुम। चलिए मैं अपना लंच फटाफट से फिनिश करती हूँ। क्या कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो? हाँ। क्या लिखी हो दिखाओ, क्या लिखी हो? वन वन लिखी हो? बहुत सुंदर है, ऐसे ही लिखो। गाइस देखिए मैंने शाम को चाउमीन बनाया है, तो हम दोनों खाने जा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने चाउमीन बनाया है। तो गाइस शाम को मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया है, चाउमीन, भूख लगी थी बहुत तेज़ी से। सुबह खिचड़ी बनाया था तो जल्दी खा लिया था मैंने, 12:30 बजे खाना खा लिया था, जल्दी बन गया था, तो भूख लगे, खिचड़ी हल्का ही होता है। तो चलिए फटाफट से चाउमीन बनाया, ठंडी हो जाएगी तो खा लेती हूँ। चलिए गाइस मैंने उसमें कुछ डाला नहीं है, मंचूरियन की ग्रेवी डाली है हल्की सी, देखिए। नॉर्मली सादा बनाया है, प्याज टमाटर मिर्चा देखा और कुछ नहीं डाला है। वो तो बाहर से मंचूरियन अभी मंगाया है तो बाबू खा रहा था, मंगाया गया बाबू खा रहा था तो उसकी ग्रेवी मैंने छोड़ा दी है। तो चलिए गाइस मैं अपना चाउमीन फिनिश कर लेती हूँ। सो गाइस देखिए मैं जा रही हूँ आलू का पराठा बनाने के लिए। ये देखिए मैंने आलू का बैगर अच्छे से बना के भुज के रख दिया है, अभी गर्म में ठंडा होगा। यहाँ मैंने देखिए गैस पे धीमी आंच में टमाटर की चटनी छौंकी हुई है, और चली मैं आटा सानने के लिए। सुबह रोटी बनाया था उसी में, तो उस आज मैंने थाली रख दिया था, उसी में मैं आटा सानने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस फटाफट से आटा सान कर बनाती हूँ क्या आलू का पराठा। तो गाइस चलिए जल्दी जल्दी यम्मी यम्मी पराठा बना लेते हैं। चटनी तो बन ही रहा है, पराठा तैयार है, आटा सानने में और पराठा सेकने में 1.5 घंटा लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ, सबके लिए बनाना है गाइस। घर में 5-6 लोगों के लिए बनाना, 6 लोगों का आलू का पराठा जानते हैं। तो चलिए फटाफट बनते हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बासी खाना बहुत पसंद है, आलू का पराठा मैं ताज़ा नहीं खाती, मैं बासी खाती हूँ चाय के साथ। तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक पराठा तवा में डाल दिया है। चलिए मैं सारा पराठा ऐसे ही बना लूँगी, देखिए सारा पराठा ऐसे ही बना लूँगी और फटाफट से फिर बाबू आ रहा है उसे खाना दे रहा है, उसे खाना दूँगी। पराठा तुम चम्मच से तोड़ के खा रहे हो, अंग्रेज बने हो क्या? नहीं गर्म है, गर्म है तो उसको खोल दो ठंडा हो जाए। खाए एक बाइट भी खाए हो? कैसा बना है? नमक वमक ठीक है टेस्ट? और टमाटर की चटनी भी मीठी कैसी है? क्या बेटा मुझे आलू पराठा दे दो। आपको आलू पराठा दे दें? हाँ। आपको आलू का पराठा तीखा लगेगा, आपके लिए सादा सा सूखा सूखा बनाएंगे ना, तुम्हारे भाषे में सूखा सूखा। अच्छा ठीक है, जा रहे बना रहे। सो गाइस चलिए आज हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए आप हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। तो चलिए अब हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके गाइस गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बत है, बाय बाय गाइस।